midfielders out there. Six to win, four for Super Island. More than one, hilarious! Yeah, beauty! Six off the Thunder! The Thunder is still alive! What a finish, it's spotless! Owen Morgan, you! Welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum, everyone. मैं आज बात करूंगा कि PSL के सेमी फाइनलिस्ट जो हैं वो फाइनल हो गए हैं, जिसमें लाहौर और कराची अब आपस में मैच खेलेंगे और जो सेकंड सेमी फाइनल होगा वो मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी का होगा। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मैचेस बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, शुरू में जो हमने मैचेस देखे उनमें भी बहुत ज़्यादा क्लोज हुए। तो मुल्तान सुल्तान जो इन्होंने टॉप किया 14 पॉइंट्स के साथ, फिर कराची के 11 पॉइंट्स थे और उसके बाद लाहौर के 10 पॉइंट्स और पेशावर के 9 पॉइंट्स। थोड़ी सी हम कह सकते हैं बैड लक हुई कोयटा के साथ कि उनकी टीम जो है वो अगर थोड़ी सी कोशिश करती, थोड़ी सी और एफर्ट करती तो हो सकता था कि वो पेशावर जलमी से ऊपर आ जाते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोयटा की टीम अभी भी बेहतर टीम थी पेशावर जलमी के मुकाबले में। लेकिन चलें, पिछले 4 सीजन्स में वो तकरीबन फाइनल तक आखिर तक जाते रहे और इस दफ़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं इसके अलावा बात करूंगा आज के 2 मैचेस जो है उनमें, कि सबसे पहले तो जो है वो ये टूर्नामेंट जो था शादाब खान के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा। उनकी बैटिंग जो है उनकी बहुत देखने को जो हमें मिली, उनमें उन्होंने कंसिस्टेंटली रन्स परफॉर्म किए, इसकी तो ये एक पॉजिटिव है इस्लामाबाद के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, कि जो वो कॉन्फिडेंस अब लेके जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो कल को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शर्जील खान की फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आया और एक बार हमने आज देखा कि नसीम शाह ने जिस तरीके से उनको आउट किया। मैंने अपने ट्वीट्स पहले भी और पुराने व्लॉग्स में आप देख सकते हैं, मैं लिंक्स भी शेयर करूंगा, कि मैंने कहा था कि शर्जील खान का फ्रंट फुट का मसला है और वो इसीलिए जब भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया की अच्छी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खेलेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि नसीम शाह ने एक तेज़ बॉल कराई और वो आउट हो गए। तो उनको अपने फ्रंट फुट पे काम करना होगा। और हमें याद होगा कि 2014 का जो एशिया कप था जिसमें शर्जील खान ने पूरे एशिया कप में स्ट्रगल किया था मलिंगा के अगेंस्ट, जब मलिंगा अपनी टॉप फॉर्म में थे, एग्जैक्टली इसी तरीके से उनका फ्रंट फुट का मसला था और वो LBW होते रहे उस टूर्नामेंट में। 2014 का जो एशिया कप पाकिस्तान ने फाइनल हारा था श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद शर्जील खान का भी बिल्कुल अच्छी टीमों के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर वो अपनी टेक्निक पे काम नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में स्ट्रगल करेंगे, स्पेशली अच्छी टीमों के अगेंस्ट। जैसे कि हमने देखा कि फ़खर जमान पे कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जो पिछला 1.5 साल गुजरा है वो बहुत ज़्यादा उनका जो है इनकन्सिस्टेंसी रही है, उन्होंने रन स्कोर नहीं किए। मेरे अगर आप पुराने ब्लॉग्स देखें तो उसमें मैंने स्टैट्स सारे शेयर किए थे कि आसिफ अली और फ़खर जमान की क्या परफॉर्मेंस रही है 2020 में और उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान ने 2019 में सिर्फ 1 20-20 जीता। तो वो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं और मैं लिंक भी शेयर करूंगा अपनी वीडियो के एंड में। मैं इसके अलावा बात करूंगा, मैं एक स्पेशल अपना नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा वो कोरोना वायरस पे मैं कर रहा हूं और मैं इंग्लिश में वो करूंगा और काफ़ी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे ख्याल में वो वीडियो मैं कल या परसों अपलोड करूँगा कोरोना वायरस पर, कि उसकी वजह से कितनी ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनको नुकसान हुआ है। मैं हारिस रऊफ़ की बात करूंगा कि हारिस रऊफ़ पे एक बार क्रिटिसिज्म हुआ है और सोशल मीडिया पे भी एक पूरी फोर्स है जिसने उनको कहा है कि वो बिग बैश लीग में जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के सुपरस्टार बन के निकले। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना अर्ली होगा, क्योंकि उनका इंजरी का मसला चल रहा था और उनको ज़बरदस्ती मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर ने खिलाया, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। और आज के मैच में हमने देखा कि उन्हें 3 ओवरों में 50 रन्स पड़े। तो अगर वो फिट नहीं है उसका नुकसान तो होगा ही लाहौर कलंदर को, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट उन्हें बाय फोर्स खिला रही है, स्पेशली आकिब जावेद के उन्हें ज़बरदस्ती ये मैचेस खिलाए जा रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको प्रॉब्लम है इंजरी का तो उन्हें रेस्ट कर लेनी चाहिए, नहीं तो उनका जो भी इंजरी है उनको वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। सुहेल तनवीर, मैंने एक ट्वीट किया था 26 फरवरी को, मैं वो शेयर करूंगा और मैं अपनी आज के मैच से पहले की प्रिडिक्शन भी शेयर करूंगा कि मैंने क्या ट्वीट किया था और मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुई। मैंने लाहौर की प्रिडिक्शन की थी और वो जीते आज का मैच। इसके अलावा मैंने 4 लड़कों के बारे में 26 फरवरी को एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि ज़ीशान अशरफ को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में होना चाहिए, रिजवान को निकाल देना चाहिए विकेट कीपिंग से। इसके अलावा मैंने हैदर अली को कहा था कि लाजमन टीम में होना चाहिए और मैंने 26 फरवरी को
खुशदिल शाह का कहा था, जिनका आज की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि उन्होंने 70 रन्स स्कोर किए और 240 के स्ट्राइक रेट से, तो पाकिस्तान के जो पावर हिटिंग का प्रॉब्लम है वो खुशदिल शाह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर हमारे मिडल ऑर्डर में खुशदिल शाह हों, इफ्तिखार अहमद हों और हफीज़ हों और शुएब मलिक हों, तो हमारा मिडल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके अलावा हमारी जो पावर हाउस है पावर हिटिंग का है, जो कि मिस कर रहे हैं हम बाकी टीमों के मुकाबले में, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और खुशदिल शाह ने आज शो किया कि वो बॉल किस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने बॉल को हिटिंग की, और 246.38 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 70 रन उन्होंने स्कोर किए, तकरीबन 7 उन्होंने छक्के मारे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उन्हें ही कॉन्फिडेंस देना होगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलाने होंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के आजकल क्रिकेट में कल्चर चला हुआ है कि कुछ लड़कों को लगातार मैचेस नहीं खिलाए जाते, एक दो खिला के बाहर बिठा दिया जाता है, इससे लड़कों का कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। तो ये चीज़ जो है सही नहीं है किसी। मैं शेयर करूंगा अपने आज के व्लॉग में कि जो एम्प्टी स्टैंड्स थे, बहुत ज़्यादा फैंस डिसहार्ट हुए और इससे पीसीबी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। और ऑब्वियसली सारी दुनिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कि इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज़ कैंसिल हो गई, आईपीएल भी हो सकता है कैंसिल हो जाए, जो कि अभी 15 अप्रैल तक हो गई है, मौखर हो गई है। इसके अलावा फार्मूला 1 जो है वो ख़त्म हो गई है, मैं कार्डिफ में हूँ, यहाँ रग्बी मैचेस, फुटबॉल मैचेस सारे कैंसिल हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल जो है स्पोर्ट्स, उसको अफेक्ट किया है इसने, वायरस ने। और हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से जो है स्टैंड्स को एम्प्टी रखा गया। हमने आज के मैच में देखा कि नसीम शाह ने एक बार प्रूव किया कि वो एक बहुत ही जो है अपकमिंग यंग स्टार हैं, और उन्होंने 4 ओवरों में टोटल 17 रन दिए, 2 विकटें लीं। मेरे ख्याल में बहुत देर कर दी, खुर्रम मंजूर को बहुत देर चांस दिया गया, 63 रन उन्होंने स्कोर किए क्वेटा के लिए। अगर उन्हें शुरू के मैचेस में 3-4 मैचेस दिए जाते तो हो सकता है कि इस वक्त क्वेटा के लिए सिचुएशन डिफरेंट होती। इसके अलावा वॉटसन आखिरी मैच था, फॉर्म में आ गए, 66 रन स्कोर किए। तो क्वेटा के लिए मैं यही कहूँगा कि जो एक दो मैचेस वो बीच में हारे, जिसमें सरफराज को चाहिए था कि वो कम अज़ कम एक दो मैचेस जितवाते, और उन्होंने अपने लिए खुद ही जो है सिचुएशन मुश्किल कर ली है। मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेटा की इस हार के बाद सरफराज को वापस टीम में चांस मिलेगा, बावजूद इसके कि अगर वो कोई डोमेस्टिक में कोई स्पेशल परफॉर्मेंस दे देते हैं, कोई एक सीज़न में हाईएस्ट रन स्कोरर आ जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल अब वो टीम में वापस आएंगे, जो क्योंकि क्वेटा की टीम आज एलिमिनेट हुई। और भले वो जीती, लेकिन रन रेट ऑब्वियसली मैटर करता है, एक आध दो मैचेस भी बारिश से ज़ाया हुए तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा मैं उमर ख़ान का बात करूँगा। उमर ख़ान के लिए मेरे पुराने व्लॉग्स आप देखें, मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, और मैं पिछले 4 महीनों से यही कह रहा हूँ कि इस लड़के को कंसिस्टेंट चांस दें, जो कि नहीं दिया। हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ उन्हें मैचेस मिले, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए। और इस पूरे सीज़न में, पिछले सीज़न में PSL 4 में वो तीसरे के चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, हमें याद होगा एक नेपाली स्पिनर था तो वो नंबर 1 हुआ था, और दूसरे तीसरे नंबर पे उमर ख़ान आए थे। तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम ही यही है कि जो लड़के फॉर्म में होते हैं उनको बाहर बिठा दिया जाता है। और हमें याद होगा कि यासिर शाह को हम इंग्लैंड लेके चले गए थे, जिन्हें खूब मार पड़ी थी इंग्लैंड जाके। शाहीन शाह लाहौर कलंदर के लिए वाहिद एक ऐसे बॉलर हैं जो परफॉर्म करते रहे, बाकी किसी बॉलर ने परफॉर्म नहीं किया, और उसका नुकसान लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा हुआ। और मेरी प्रिडिक्शन जो फाइनल और सेमीफाइनल के लिए है, लाहौर और कराची का सेमीफाइनल है, ऑन पेपर कराची फेवरेट है फाइनल में जाने के लिए, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर बेन डंक और क्रिस लिन खेले और वो चल गए तो सेमीफाइनल एक ऐसा मैच होता है जिसमें कोई भी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जो टीम उस दिन टॉस जीतती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अपने डे पे जो टीम अच्छा खेलती है, अच्छी फील्डिंग करती है, वो जीतती है। तो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि लाहौर कलंदर कराची को अपसेट कर सकता है, और मैं लाहौर के लिए जाऊँगा। मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी यही प्रिडिक्शन की थी, और मैं दूसरा मैच जो है मुल्तान और पेशावर का, उसमें मुल्तान फेवरेट है, मुल्तान की टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है एज़ कम्पेयर टू पेशावर। पेशावर का प्रॉब्लम ये चल रहा है, उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं हैं तो उसका उन्हें नुकसान होगा, हसन अली फॉर्म में नहीं है, वहाब रियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह के उनका पिछले मैच में मजाक उड़ाया गया कि जी मेरा मैं कप्तान हूँ तो जी मेरा मैच, मेरी मर्ज़ी के वो 1 डाउन आके खुद खेले ऊपर, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था।
कि किसी भी अच्छे लड़के को ऊपर जो सेटल था उसे चांस देते तो वो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन मुल्तान फाइनल में लाजमन जा रही है। दूसरी टीम थोड़ी सी ट्रिकी है, ऑन पेपर कराची फेवरेट है, लेकिन मैं लाहौर के लिए जाऊंगा और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी यही प्रिडिक्शन की थी कि मुल्तान और लाहौर का फाइनल होगा। तो मैं ये लिंक ये वीडियो में दोबारा शेयर करूंगा फाइनल से पहले, क्योंकि अब फाइनल और सेमीफाइनल जो दो हैं वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को हैं और उसके बाद फाइनल जो है उसके बाद है। तो पीसीबी ने अच्छा एक डिसीजन लिया कि इसको फौरन रैप अप कर रहे हैं पीएसएल को, क्योंकि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं कि कुछ पता नहीं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। मैं यहाँ कार्डिफ में रहता हूँ, मैं ये एक स्पेशल ब्लॉग कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है मेरा इंग्लिश में, मैं उसमें आपको बताऊँगा कि इस वक्त यहाँ क्या सिचुएशन है और कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से कैसे हालात चल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।